आज की कहानी है, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हों, चाहे आप एक प्रोग्रामर हों या कुछ और। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो मिलेनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 या अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल हो जाने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक मिलेनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांत के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब ज़रा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिशन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।